मई में मणिपुर में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपकी और हमारी सोच से परे था। दो महिलाओं के कपड़े उतरवा कर उन्हें सरेआम नग्न हालात में सड़क पर घुमाया और इससे पहले इनमें से एक महिला का रेप किया गया। रेप नहीं, गैंग रेप। 19 जुलाई की रात से इंटरनेट पर हड़कंप मच गया जब इस घटना का वीडियो हर जगह पहुंचना शुरू होता है। जिसने देखा वो सन्न रह गया। थाउबल जिले में 4 मई को घटना हुई, 18 मई को 0 FIR दर्ज हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक 2.5 महीनों में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई ना ही कोई एक्शन लिया गया। जैसे ही वीडियो सामने आया उसी दिन एक गिरफ्तारी हो गई। सोचिए उस युवती का क्या हाल हुआ होगा जिसे पहले गांव में कपड़े उतरवा कर घुमाया, उसके साथ रेप किया गया। अब इस हैवानियत का वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। जिन 3 महिलाओं के साथ ये बर्बरता हुई उनमें से एक से न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल ने बातचीत की। 40 साल की महिला ने बताया कि जब हमने सुना कि मैतेई भीड़ पास के गांव के घरों को जला रही है तो हमारा परिवार और कई लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने हमें खोज लिया। हमारे पड़ोसी और बेटों को थोड़ी दूर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमसे कपड़े उतारने के लिए कहा। पीड़ित महिला ने बताया कि हमने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिए। इस दौरान वहां मौजूद इंद्रिंदों ने मुझे थप्पड़ और मुक्के मारे। मुझे पता नहीं चला कि मेरी 21 साल की पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ दूरी पर थी। महिला ने आरोप लगाया कि मुझे सड़क के पास एक धान के खेत में ले जाकर खींच लिया गया और पुरुषों ने लेटने के लिए कहा। इसके बाद मैं खेत में लेट गई। 3 लोगों ने मुझे घेर रखा था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा चलो इसका रेप करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से मेरे शरीर को छुआ। दरअसल गांव पर हमले के वक्त लोग जंगल और खेतों की तरफ भाग गए, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोंगपोक सेकमाई पुलिस ने 3 महिलाओं को बचाया और पुलिस स्टेशन ले गई। हैरानी की बात तो ये रही कि स्टेशन से भीड़ ने महिलाओं को अगवा किया, 1 पुरुष की हत्या कर महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, 21 साल की युवती के साथ गैंग रेप किया गया और उसे बचाने गए 19 साल के भाई की भी हत्या कर दी गई। वीडियो में दिख रहे घटना के दोषियों को पकड़ने 12 टीमें लगाई गई, जिसमें मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है। हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।